प्रोडक्शन क्या होता है? देखिए, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू गुड्स या सर्विस को क्रिएट किया जाता है। जैसे सपोज करिए बिस्किट है, बिस्किट क्या है? एक गुड्स है, फिनिश गुड्स है। अब बिस्किट को क्रिएट करने के लिए गेहूं के आटे का यूज़ किया गया, मिल्क का यूज़ किया गया, शुगर का यूज़ किया गया, उसको जो है कन्वर्ट किया गया प्रोसेस के थ्रू, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसको कन्वर्ट किया गया बिस्किट के फॉर्म में। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? इट इज़ अ मीन्स ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट बाय परफॉर्मिंग अ सेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इन अ प्री डिटरमाइंड सीक्वेंसेज। यानी कि जब आप रॉ मटेरियल, अब बिस्किट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया? गेहूं का आटा हो गया, शुगर हो गया, मिल्क हो गया, ये रॉ मटेरियल हो गए। जब आप उन पे जो है डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, वो भी एक सीक्वेंस में, तो उसको आप कन्वर्ट कर देते हो फिनिश गुड्स यानी कि बिस्किट के फॉर्म में, जो कि कंज्यूमेबल हो जाता है, जिसको आप कंज्यूम कर सकते हो, कस्टमर्स उसको परचेज करके खा सकते हैं। तो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, वही चीज़ प्रोडक्शन कहलाता है। और किसी भी प्रोडक्शन में बहुत सारे डिसीजन मेकिंग जो है करने पड़ते हैं, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस यानी क्या प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट की प्लानिंग करिए, प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होगा उसकी प्लानिंग करिए। वहीं पे दूसरा डिसीजन होता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, उसके लिए मटेरियल यानी रॉ मटेरियल क्या चाहिए होगा, प्रोसेस क्या होगा, टूल्स और टेक्निक, इक्विपमेंट, मशीनरी क्या चाहिए होंगे, उसके रिगार्डिंग जो डिसीजन मेकिंग करते हैं। वेयर टू प्रोड्यूस यानी कि लोकेशन क्या होगा, फैसिलिटीज़, कैपेसिटी प्लानिंग, इसकी करते हैं। व्हेन टू प्रोड्यूस यानी कि कब प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन का शेड्यूल क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, मशीन की शेड्यूलिंग क्या होगी, कौन से मशीन पे कौन सा काम होगा, पैकेजिंग किस मशीन पे होगी, लेबलिंग किस मशीन पे होगी, या फिर जो कन्वर्जन प्रोसेस है रॉ मटेरियल का वो किस मशीन पे होगी, सारी चीज़ें शेड्यूल करना। हु विल प्रोड्यूस यानी कि मैन पावर प्लानिंग करना कि कौन प्रोड्यूस करेगा, कौन से एम्प्लॉय कहाँ पे कौन से मशीन पे काम करेंगे। हाउ मच टू प्रोड्यूस यानी कि क्वांटिटी कितनी होगी प्रोडक्शन की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोडक्शन में जो डिफरेंट डिसीजन होता है, इनके लिए प्लानिंग करना और उसको इंप्लीमेंट करके उसको कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो यही टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी कि प्रोडक्शन को प्लान करना और उसके बाद उसको कंट्रोल करना। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल ये क्या है? दो स्ट्रेटजीज शो कर रहा है, रिफर्स टू टू स्ट्रेटजीज। पहला प्रोडक्शन प्लानिंग यानी कि प्रोडक्शन को प्लान करना यानी कि फोरकास्ट करना, पहले से आप एंटिसिपेट कर रहे हो, उसके लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ताकि प्रोडक्शन जब प्रोसेस आप स्टार्ट कर दोगे तो वहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। और वहीं पर प्रोडक्शन कंट्रोल यानी कि जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया तो जो प्रोडक्शन आपने प्लान किया था अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, अगर नहीं चल रहे हो तो उसको कंट्रोल करना, दैट इज प्रोडक्शन कंट्रोल। तो यही प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल रहता है। दैट वर्क कोहेसिवली थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी कि जब पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा होता है उस वक्त दोनों मिलकर ही काम करते हैं। प्लानिंग जैसे किया था और एक उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो उसको कंट्रोल करना, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो प्रोडक्शन प्लानिंग पहले देखेंगे फिर प्रोडक्शन कंट्रोल देखेंगे। प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब क्या हो गया? प्लानिंग द वर्क यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी है उसको प्लान करना। यहाँ पे क्या होता है? फोरकास्टिंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द लॉन्ग रन प्रोडक्शन प्रोसेस यानी कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, उसको फोरकास्ट करना, उसको समझना और एंटिसिपेटिंग ऑल द प्रॉब्लम दैट में अराइज एंड डिसाइड्स इन एडवांस हाउ टू एड्रेस देम। यानी कि जो जो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं उसको आप फोरकास्ट कर लिए, फोरकास्ट करने के बाद अब आप जो है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है उसको एंटिसिपेट करिए, उसके बाद जो है उससे डील करने के लिए पहले से ही तैयारी कर लीजिए। अब सपोज करिए कि आपको पता है कि बिस्किट प्रोड्यूस करना है, बिस्किट प्रोड्यूस करने के लिए आपको गेहूँ का आटा, शुगर और मिल्क चाहिए होगा, तो इसकी तैयारी आप पहले से कर लोगे ना, कि जब आपने शुरू कर दिया तब आप ढूंढोगे कि मिल्क कहाँ है या फिर शुगर कहाँ है, नहीं, आप उसको पहले से ही तैयार कर रखोगे कि मुझे जो है 10 kg आटा चाहिए, मुझे जो है 5 kg शुगर चाहिए, मुझे है 10 लीटर मिल्क चाहिए। तो ये आप जो है इसको पहले से तैयार करोगे, दैट इज प्रोडक्शन प्लानिंग। इंश्योरिंग ऑल नेसेसरी प्रिपरेशन इज कंप्लीटेड बिफोर अ प्रोडक्शन साइकिल बिगिन सो इट कैन रन स्मूथली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप इंश्योर करते हो, आप प्लान करते हो कि जो भी प्रिपरेशन है उसकी हम तैयारी पहले से कर लें जिससे कि हमारा प्रोडक्शन साइकिल आसानी से चल सके, यानी कोई इसमें डिस्टर्बेंस ना आए। तो दिस इन्वॉल्व एलोकेटिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली सो दैट एवरीथिंग इज इन प्लेस फॉर ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू स्टार्ट। यानी कि जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो उस वक्त जो जो चीज़ें चाहिए और जब जब जहाँ जहाँ चाहिए उसको आप पहले से एडवांस में प्रिपेयर करके रख लेना, रिसोर्स को एलोकेट करके रख देना ही क्या कहलाता है? प्रोडक्शन प्लानिंग कहलाता है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। व्हाट वर्क इज टू बी डन, क्या काम करना है, व्हेन टू बी डन, कब करना है, हाउ टू बी डन, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पे 3 चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए जो है प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ बजट, ये क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग है ना, कि आपको प्रोडक्शन करने के लिए कितना जो है बजट चाहिए होगा, कितना मॉनेटरी टर्म्स में आपको चाहिए हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग मेथड टू बी यूज़, कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, आपको वो चीज़ जो है प्लान कर लेनी है। टाइप ऑफ मशीन एंड टूल्स टू बी यूज़, कौन सा मशीन यूज़ किया जाएगा, कौन से टूल्स होंगे जो आपको चाहिए होंगे, उसके लिए आप प्लान कर लीजिए, उसको अरेंज कर लीजिए। एस्टिमेटिंग मैन मशीन मटेरियल रिक्वायरमेंट यानी कि कितने हमें मैन की मटेरियल जो है यानी वर्कमैन जो लेबर्स होंगे वो कितना चाहिए, मशीन कौन सा चाहिए, मटेरियल कौन कौन से चाहिए, उनकी एस्टिमेट करके उसको जो है आप इकट्ठा करके तैयार करके रख लें। दैट इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आप जो भी काम कर रहे हैं, जो आप पूरी तैयारी कर रहे हैं, वही चीज़ मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग कहलाता है, प्रोडक्शन प्लानिंग कहलाता है। जैसे आप एग्जामिनेशन है तो एग्जामिनेशन देने जाने से पहले आप क्या करते हो, प्रिपरेशन करते हो ना, तो दैट इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग। कि आप मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले, गुड्स को कन्वर्ट करने से पहले आप जो तैयारी कर रहे हो, दैट इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग। वहीं पे प्रोडक्शन कंट्रोल की बात करें तो प्रोडक्शन कंट्रोल क्या हो गया, आप जो प्लान करके बैठे हैं उसको जब आप इंप्लीमेंट करोगे, यानी कि जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो आप उसको कंट्रोल भी तो करोगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसा जैसा हमने सोचा था वैसा वैसा ही हो रहा होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफेक्टिव, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी और उसको कंट्रोल करना आपको जरूरी होगा। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी कि जब आप प्रोडक्शन एक्टिविटी को मॉनिटर करते हो और उसको कंट्रोल करते हो तो वही चीज़ क्या है, प्रोडक्शन कंट्रोल कहलाता है। प्रोसेस टू ट्रैक एंड कंट्रोल प्रोडक्शन फ्लो, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड डेविएशन फ्रॉम द प्लान्ड एक्शन, यानी कि जो भी हमने प्लान किया था, जो भी हमारा जो प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग हम जो है कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि गेहूं खत्म होने वाला हो, चीनी बच गया, दूध बच गया, गेहूं खत्म हो गया, गेहूं का आटा खत्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है मॉनिटर करनी होंगी। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि कहीं रॉ मेटेरियल की कमी आ रही, कोई मशीन काम करना बंद कर दिया, कोई लेबर छुट्टी पर चला गया, कोई लेबर काम नहीं करने आया, तो इन सभी चीज़ों को आपको मॉनिटर करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कंट्रोल एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करनी होंगी। तो दैट इज़ प्रोडक्शन कंट्रोल। टू इंश्योर हैविंग गुड्स मेड ऑन राइट टाइम, राइट क्वालिटी एंड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। तो कंट्रोल में मेन फोकस इस पे होता है क्या कि राइट टाइम पे आपका जो है गुड्स बन जाए, यानी बिस्किट बन जाए, तैयार हो जाए, राइट क्वालिटी में बने, सही क्वालिटी में बने, ये नहीं कि क्वालिटी ख़राब हो गई जल्दबाजी के चक्कर में, और वहीं पर रीजनेबल कॉस्ट में, यानी कि कॉस्ट भी कम से कम आए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसा ज़्यादा लग गया बनाने के लिए, तो पता चला पैसा ज़्यादा लगेगा बनाने में तो उसकी प्राइसिंग भी ज़्यादा जाएगी और फिर मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, ज़्यादा प्राइस तो डिमांड कम। तो ये चीज़ें प्रोडक्शन कंट्रोल में आती है कि आपको इस चीज़ को मॉनिटर करना है कि राइट टाइम पे, राइट क्वालिटी में और राइट रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स जो है यूज़ किए जाते हैं, जैसे डिस्पैचिंग, फॉलोअप, इंस्पेक्शन, कंट्रोल के टेक्निक, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल, प्लान करके उसको कंट्रोल करना, ठीक है, दैट इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो इसको डिफाइन किया जा सकता है, द डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ फर्म्स मटेरियल एंड फिजिकल फैसिलिटीज़ टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड प्रोडक्शन गोल्स इन दी मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल मैनर। तो ये चीज़ क्या हो गई, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हो गई थी। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, डायरेक्ट कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो फर्म्स के मटेरियल और फिजिकल फैसिलिटीज़ को, जिससे कि आप जो प्री डिटरमाइंड प्रोडक्शन गोल है उसको अचीव कर सको एफिशिएंट और इकोनॉमिकल मैनर में। तो वही चीज़ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कहलाती है। क्लियर। गॉर्डन एंड कार्सन, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इन्वॉल्व, क्या क्या इन्वॉल्व करता है, प्लानिंग ऑफ राउटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, इंस्पेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल ऑफ मटेरियल, मेथड, मशीन, टूल एंड ऑपरेटिंग टाइम्स। इन सब के बारे में प्लान करना ही जो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में इन्वॉल्व करता है। तो अगर हम उसका ऑब्जेक्टिव देखें, ऑब्जेक्टिव क्या है PPC का, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का, तो रेगुलेशन ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बट ऑब्वियस बात है कि जो आप इन्वेंट्री आपके पास है उसको आप सही से रेगुलेट कर सकें। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड रिसोर्सेज, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है और रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि उसको खराब भी हो, उसका नुकसान भी ना हो और हमारा फायदा भी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन शेड्यूल, यानी कि जो प्रोडक्शन शेड्यूल है उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकें टू मेक श्योर द राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल एंड मोर आर अवेलेबल ड्यूरिंग प्रोडक्शन टाइम। तो अगर आप प्रोडक्शन प्लानिंग कर लोगे तो बट ऑब्वियसली बात है कि राइट क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल होगा, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होंगे जब भी प्रोडक्शन चल रहा होगा। टू इंश्योर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज अलाइंड विद फोरकास्ट डिमांड, यानी कि जो भी हमारा डिमांड है, हम सोच रहे हैं कि 1 लाख यूनिट हम बेच सकते हैं बिस्किट का, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी कैपेसिटी को भी यूटिलाइज कर सकें, आप सही तरीके से प्रोडक्शन कर सकें। तो अब बात करेंगे कि स्टेप्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में परफॉर्म किए जाते हैं, जिससे कि आपका जो गोल है, प्रोडक्शन गोल है, वो अचीव हो सके। तो सबसे पहले प्रोडक्शन प्लानिंग होता है, जो आपने देख लिया कि क्या होता है प्रोडक्शन प्लानिंग में, कि सारी चीज़ें आप पहले से तैयार कर लेते हो। क्लियर। देन प्रोडक्शन प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है 3 चीज़ें, राउटिंग, शेड्यूलिंग एंड लोडिंग, ये तीनों क्या है प्रोडक्शन प्लानिंग का पार्ट होता है। वहीं पर उसके बाद आता है प्रोडक्शन कंट्रोल, तो यहाँ पर डिस्पैचिंग, फॉलोइंग अप एंड इंस्पेक्शन एंड करेक्शन, इंस्पेक्शन ऑफ करेक्टिव सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड टू इंश्योर दैट दिस सिक्वेंस इज स्ट्रिक्टली फॉलोड। तो डिस्पैचिंग, फॉलोइंग, इंस्पेक्शन, करेक्शन, ये आ जाता है प्रोडक्शन कंट्रोल में। तो हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस डिस्कस करेंगे। तो प्रोडक्शन प्लानिंग हमने पहले डिस्कस के लिए, राउटिंग पे आएंगे। सबसे पहले आता है राउटिंग। राउटिंग ये क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का पहला स्टेप होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पाथ को डिसाइड करते हैं। डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द पाथ यानी रूट ऑफ वर्क एंड द सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, यानी कि क्या रूट होगा, क्या पाथ होगा काम करने का और सिक्वेंस क्या होगा, वो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, राउटिंग फिक्सेज इन एडवांस। यहाँ पे क्या होता है कि हम एडवांस में फिक्स कर लेते हैं क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। मैन, मशीन एंड मटेरियल एक्सेट्रा टू बी यूज, यानी कि कौन कौन से आज ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होंगे, कितने चाहिए होंगे, मशीन्स क्या चाहिए होंगे, मटेरियल्स क्या होंगे, उन सबको हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं। टाइप, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, यानी कि किस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, कितने करने हैं और उनका सीक्वेंस क्या होगा, उसको हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं एडवांस में। एंड प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कहाँ पे प्रोडक्शन होगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। तो दैट इज डिसाइडिंग द पाथ, यानी कि रूट को हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कब कहाँ कैसे करना है। तो राउटिंग डिटरमाइंस व्हाट, हाउ मच, विथ विच, हाउ एंड वेयर टू प्रोड्यूस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राउटिंग इज टू डिटरमाइन द बेस्ट एंड चीपेस्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड टू इंश्योर दैट दिस सीक्वेंस इज फॉलोड इन द फैक्ट्री। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया राउटिंग का कि हम यहाँ पे बेस्ट और चीपेस्ट सीक्वेंस को हम जो है यहाँ पे लगाते हैं, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को जो है डिटरमाइन करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि वो सीक्वेंस फैक्ट्री में फॉलो हो रहा हो। ठीक है, तो राउटिंग मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किसके साथ करना है और कहाँ करना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना राउटिंग में आ जाता है। उसके बाद जब आप राउट यानी कि पाथ को डिसाइड कर लेते हैं, अब आपका काम आता है लोडिंग। लोडिंग मीन्स कि क्वांटिटी ऑफ वर्क एंड एलोकेटिंग द क्वांटिटी ऑफ वर्क टू द प्रोसेसेस नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर ईच आइटम इज कॉल्ड लोडिंग। लोडिंग का मतलब क्या हो गया कि एक मशीन के ऊपर कितना काम है, एक ह्यूमन के ऊपर यानी ह्यूमन रिसोर्स जो है मैन जो है उसके ऊपर कितना काम है। ऐसा तो नहीं कि एक मशीन के ऊपर हमने ज़्यादा लोड दे दिया, दूसरे के ऊपर हमने लोड ही नहीं, दूसरा मशीन खाली पड़ा है। तो ये सारी चीजें आपको सही तरीके से एलोकेट करना पड़ेगा वर्क को। यहाँ पे क्या करना है, एलोकेशन ऑफ वर्क, एलोकेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वर्क टू द प्रोसेसेस नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर ईच आइटम इज कॉल्ड लोडिंग। द असाइनमेंट ऑफ द वर्क टू द ऑपरेटर एट देयर मशीन और वर्क प्लेस, असाइनमेंट ऑफ द वर्क टू द ऑपरेटर, यानी जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम वर्क का असाइनमेंट करते हैं लोडिंग में। इस तरीके से करते हैं कि कोई भी ऑपरेटर या फिर कोई भी मशीन जो है खाली ना पड़ा हो, आइडल प्लेस पे ना हो। डिटरमाइंस हु विल डू द वर्क, यहाँ पे मेन फोकस क्या हो गया कि काम कौन करेगा, इस चीज़ को यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि भाई आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे और इस तरीके से एलोकेट करना है कि किसी के ऊपर ज़्यादा लोड ना हो, किसी के ऊपर कम लोड ना हो। तो लोडिंग के लिए नॉर्मली जो है गैंट चार्ट का यूज़ किया जाता है। गैंट चार्ट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन स्मॉल इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दी एग्जिस्टिंग लोड एंड ऑल्सो टू फोरकास्ट हाउ फास्ट ए जॉब कैन बी डन। तो यहाँ पर क्या होता है कि एग्जिस्टिंग लोड किस एम्प्लॉय के ऊपर, किस जो है ऑपरेटर के ऊपर कितना है, उसको डिटरमाइन करने के लिए और साथ ही साथ कैसे जॉब को हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए गैंट चार्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो अगला काम आता है दैट इज शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग लास्ट फंक्शन होता है, प्लानिंग फंक्शन, जहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं कि व्हेन एन ऑपरेशन इज़ टू बी परफॉर्म्ड और व्हेन वर्क इज़ टू बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कब कौन सा ऑपरेशन शुरू होगा और कब वो कंप्लीट करना है, इस चीज़ को यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पर क्या हो गया, मेन फोकस होता है कि स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम ऑफ फॉर एन ऑपरेशन को यहाँ पे फिक्स किया जाता है। ठीक, स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम को शेड्यूलिंग। देखिए सीक्वेंसिंग अलग है, सीक्वेंसिंग मींस इसके बाद ये काम होगा, इसके बाद ये काम होगा। शेड्यूलिंग में ये कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, ये शुरू कितने बजे होगा, दूसरा एक्टिविटी कितने बजे शुरू होगा और खत्म कितने बजे होगा, डेट और टाइम के साथ जो आप यहाँ पे इसको डिटरमाइन करते थे। इट इज लाइक टाइम टेबल ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या हो गया, टाइम टेबल ऑफ प्रोडक्शन हो गया। तो राउटिंग क्या है, राउटिंग डिटरमाइन करता है कि कहाँ काम होगा, लोडिंग कौन करेगा, शेड्यूलिंग कब होगा। ठीक है, राउटिंग, शेड्यूलिंग, लोडिंग, तो ये चीज़ जो है प्रोडक्शन प्लानिंग का पार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट, अब जब आपने राउटिंग यानी कि कहाँ काम होना है, शेड्यूलिंग आप कब काम होना है और लोडिंग कौन करेगा, जब ये आप डिसाइड कर लेते हो तो उसके बाद अगला काम आता है कि अब आप जो है काम को स्टार्ट कर दीजिए, यानी डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग का मतलब ये हो गया कि रिलीज ऑफ ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम एज पर द राउट सीट एंड शेड्यूल चार्ट, यानी कि जो आपने राउट सीट बनाया, जो राउटिंग कहते हैं राउट सीट बनाया और जो आपने शेड्यूल चार्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग जो है अब प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दीजिए, उसके लिए ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए जाते हैं। तो ये या तो अगर सेंट्रल लेवल पे है तो सेंट्रल डिपार्टमेंट से जो ऑर्डर आ जाएगा, अगर डिपार्टमेंटल लेवल पे है तो यानी डिसेंट्रलाइज है तो डिपार्टमेंट लेवल से ऑर्डर आ जाएगा कि आप जो है प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर दीजिए। ये रहा रूटिंग चार्ट, ये रहा शेड्यूल चार्ट, इस रूट चार्ट और शेड्यूल चार्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड डिस्पैचिंग, यानी कि आप जो है काम स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ पर जिस मशीन पर जिसको काम करना है वहाँ पर रॉ मटेरियल पहुँच जाएगा, जहाँ पर पैकेजिंग करनी है वहाँ पे जो है पैकेजिंग का मटेरियल पहुँच जाएगा, मशीन पहुँच जाएगा, लेबर पहुँच जाएगा, ये सारे स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। तो स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ मटेरियल टू डिफरेंट वर्क स्टेशन, यानी कि जो जो वर्क स्टेशन हमने बनाया है, जो भी मशीन है वहाँ पे मटेरियल्स जो है वो अब मूव करने लगेंगे राउटिंग और शेड्यूल चार्ट के अकॉर्डिंग। मूवमेंट ऑफ टूल्स एंड फिक्सचर्स नेसेसरी फॉर ईच ऑपरेशन, यानी जो भी टूल्स चाहिए, जो भी फिक्सचर्स चाहिए, वो जो है ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बिगिनिंग ऑफ वर्क ऑफ ईच ऑपरेशन, यानी कि जो भी ऑपरेशन है भाई, जब रॉ मटेरियल पहुँच गया, टूल्स और टेक्निक पहुँच गया, फिक्सचर्स पहुँच गए, तो अब क्या है, ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहीं पर आपको जो है रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन ईच ऑपरेशन, यहाँ पे आपको जो है रिकॉर्ड करना होगा कि कितना टाइम कितना कॉस्ट आ रहा है सभी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। और साथ ही साथ मूवमेंट ऑफ वर्क फ्रॉम वन ऑपरेशन टू अनदर इन अकॉर्डेंस विथ रूट शीट, ये भी आपको चेक करना है कि जो रूट शीट हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग जो है मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन पे। एक वर्क से दूसरे वर्क स्टेशन का मतलब क्या हुआ कि अब सपोज करें कि मैंने जो प्रोडक्ट बनना था वो किसी दूसरे मशीन पर बना, अब वहाँ से दूसरे मशीन पर वो पैकेजिंग के लिए जाएगा, वहाँ से तीसरे मशीन पर वो लेबलिंग के लिए जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो मूवमेंट होता है, तो इसको भी आपको रूट शीट के अकॉर्डिंग चेकआउट करना है कि हाँ ये सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो डिस्पैचिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप एज इट ट्रांसलेट प्रोडक्शन प्लान इनटू प्रोडक्शन। तो जो हमने प्रोडक्शन प्लानिंग किया था वो एक्चुअली में प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि ये इम्प्लीमेंटेशन का जो स्टेज होता है डिस्पैचिंग में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट स्टेप कहा जाता है। जब आप प्रोडक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो अब जो है आपका फॉलोअप, इंस्पेक्शन एंड करेक्शन, ये चीज़ जो आ जाती है प्रोडक्शन कंट्रोल में। फॉलोअप का मतलब कि आप जो है जो रूट शीट और जो आपने शेड्यूल बनाया था उसके अकॉर्डिंग आपका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको आप फॉलोअप करिए, चेक करिए। फॉलोअप का मतलब हो गया एक तरीके के चेक करना कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिर्फ चेक कर रहे हो, ठीक है, कि सारे काम हो रहे कि नहीं हो रहे। चेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज सिस्टमेटिकली सो दैट प्रोडक्शन में भी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू प्लान। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को सिस्टमेटिकली जो है चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो भी हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, हमारा प्रोग्रेस ऑफ वर्क क्या है, टाइमली हमारा काम कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिमूविंग बोटलनेक इन द फ्लो ऑफ वर्क, यानी कि अगर कोई भी दिक्कत आ रही है काम के फ्लो में तो उसको जो है रिमूव करना, बोटलनेक यानी कि दिक्कत जो भी होती है। इंश्योरिंग दैट द प्रोडक्टिव ऑपरेशन आर टेकिंग प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द प्लान, यानी जो भी हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्टिव ऑपरेशन जो है वो हो रहे हैं। इंस्पेक्टिंग और सुपरविजन ऑफ वर्क, और फिर उसके बाद जो है इंस्पेक्ट भी करना और या सुपरवाइज करना काम को। इंस्पेक्शन देखिए फॉलोअप में हम नॉर्मली चेक करते हैं कि सही काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर कोई काम सही से नहीं हो रहा है तो फिर वहां पे हम डीपली उस चीज को इंस्पेक्ट करते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ गई, मशीन खराब हो गया है या फिर लेबर यहाँ से मिसप्लेस है, क्यों काम टाइम पे नहीं हुआ, तो उसको इंस्पेक्ट करना। और जब इंस्पेक्ट करते हो, जब आपको उसको कॉज पता चल जाता है तो आप क्या करते हो, करेक्टिव एक्शन लेते हो, ठीक है। तो हेल्प टू रिवील डिफेक्ट्स इन राउटिंग एंड शेड्यूलिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, अंडरलोडिंग और ओवरलोडिंग ऑफ वर्क एक्सेट्रा। तो जब आप फॉलोअप करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे डिफेक्ट है, राउटिंग में कोई डिफेक्ट है या शेड्यूल में कोई डिफेक्ट है या फिर ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस में कोई डिफेक्ट है या फिर अंडर लोडिंग हो यानी कि कम काम मिला या फिर ओवरलोडिंग यानी कि ज़्यादा काम मिल गया है। तो ये सब क्या है, फॉलोअप करने पे पता चलेगा। और जब आप फॉलोअप इंस्पेक्शन करोगे तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शंस ले सकते हो, जैसे कि आप जो है एडजस्टिंग द रूट, यानी कि रूट को आप एडजस्ट कर सकते हो। शेड्यूल, रीशेड्यूलिंग ऑफ वर्क, वर्क को रीशेड्यूल कर सकते हो। वर्कलोड को आप चेंज कर सकते हो, किसी पे कम है किसी पे ज़्यादा तो उसको इक्वल कर सकते हो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, यानी कि जो भी मशीनरी इक्विपमेंट है उसको आप खराब हो गया तो उसको रिपेयर कर सकते हो। कंट्रोल ओवर इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज पे आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आप सही तरीके से फॉलोअप, इंस्पेक्शन या करेक्शन ले रहे हो। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि अगर एम्प्लॉय की पुअर परफॉर्मेंस है उसको आइडेंटिफाई करके आप उसके लिए जो है ट्रेनिंग मेथड, ट्रांसफर, डिमोशन, ये सब भी कर सकते हो। तो ये एक्शन होते हैं, करेक्टिव एक्शन होते हैं जिसका यूज़ करते हैं आप फॉलोअप और इंस्पेक्शन के बेसिस पे। क्लियर? तो ये प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल होता है। तो राउटिंग, शेड्यूलिंग, लोडिंग, डिस्पैचिंग, देन फॉलोअप, इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल यानी कि करेक्टिव एक्शन। क्लियर? अब बात कर लें कि बेनिफिट का। तो बेनिफिट बट ऑब्वियस बात है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, यानी कि जो भी आपकी कैपेसिटी, जो आपकी क्षमता है, मैन, मशीन, मेटल, उनको सही तरीके से आप यूटिलाइज कर पाओगे। इन्वेंट्री कंट्रोल, कितना इन्वेंट्री चाहिए कितना नहीं चाहिए वो सब आप जो है यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। इंप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेगुलर एंड टाइमली डिलीवरी, यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव होगा कि वो रेगुलर और टाइमली डिलीवर कर सके। जब आप सही तरीके से प्लानिंग एंड कंट्रोल करेंगे तो आपका रेगुलर और टाइमली डिलीवरी आप कर पाओगे अपने प्रोडक्ट का। बेटर सप्लायर कम्युनिकेशन फॉर रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, जब आपको पता होगा कि कितना प्रोडक्ट बनाना है तो आपको ये भी पता होगा कि कितना रॉ मटेरियल चाहिए, तो आप सप्लायर से जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है उससे आप बेटर कम्युनिकेट कर पाओगे कि आपको रॉ मटेरियल कब चाहिए और उसको प्रोक्योर कर सकते हो। रिड्यूस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। बट ऑब्वियस बात है कि जब सिस्टमैटिक तरीके से सही तरीके से सिक्वेंसिंग में आप काम करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। स्मूथ फ्लो ऑफ ऑल प्रोडक्शन प्रोसेस। जब आपको पता है कि कब कहाँ कैसे क्या होना है तो सभी फ्लो क्या होगा, स्मूथली होगा, कोई भी कहीं भी हर्डल नहीं आएगा, कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिड्यूस्ड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। और इससे क्या होगा, आपका रिसोर्सेज भी सही तरीके से यूज होगा, कोई भी वेस्ट नहीं होगा, और होगा भी तो कम होगा। प्रोडक्शन कॉस्ट सेविंग। और आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या होगा, सेव होगा, बचेगा, यानी कम प्रोडक्शन कॉस्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। तो रोल अगर हम बात करें, रोल क्या हो गया, तो रोल ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज टू इंश्योर दैट मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल व्हेन नीडेड एंड दैट एवरीथिंग रन्स स्मूथली। यही तो रोल हुआ कि जो प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल अगर आप करते हो तो आप इंश्योर कर सकते हो कि मटेरियल और इक्विपमेंट आर अवेलेबल, यानी कि जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस करने जा रहे हो, स्टार्ट करने जा रहे हो, तो उसके लिए जो भी मटेरियल जो कि इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो आपके पास अवेलेबल है, जब चाहिए तब मिलते हैं आपके पास, और सभी चीज़ें काम सभी स्मूथली हो रहा है, कहीं भी कोई भी दिक्कत हर्डल बोटलनेक नहीं आ रहा है। तो अगर आप सही से प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल करते हैं तो ये चीज़ होगी वहाँ पे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।